खबरों की ओर रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं MNIT जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां इस वक्त सीएम भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन करता हूं तथा राज्य के प्रति आपके इस स्नेह के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, मंच पर विराजमान निदेशक अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर NP पाड़ी जी, आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थी, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने पर राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मैं खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूं तथा इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए MNIT का आभार व्यक्त भी करता हूं। बीते कुछ वर्षों में MNIT की ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज जिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधियां मिली हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो आपके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास से झलक रहा है। आपने अपने उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो आपके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास से झलक रहा है। आपने अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से अपने अभिभावकों और शिक्षकों को गर्व करने का अवसर भी आपने दिया है। अतः मैंने विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता, शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हैं। आप इन्हें भूले नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्थान से हमेशा जुड़े रहने का काम आप करेंगे। आपने ऐसे समय में उपाधि प्राप्त की है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी प्रगति की गति से खास पहचान बना रहा है। यहां से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो अवसरों से भरी है। यहां से आपकी ये कर्म यात्रा शुरू होगी जिसमें किए गए कार्यों की पहचान बनेगी। आज AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, नवीनीकरण ऊर्जा जैसी नई तकनीकी उभर रही हैं। इन बदलावों का असर केवल किसी उद्योग पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर इसका असर पड़ता है। इस तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान और कौशल अर्जित किया है, उसका उपयोग समाज की समस्या समाधान ढूंढने में और मानवता की उन्नति के लिए करना आपके जिम्मे है। निश्चित रूप से आप उस जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे। आप अपनी विशेषता से न केवल नई तकनीकी का विकास कर सकते हैं बल्कि अनेक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी सोच और कार्यशैली को आगे बढ़ाएं। आप नए नए विचारों के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करें। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां में नहीं बल्कि समाज के उत्थान और विकास में आपका योगदान हो, ऐसी आपसे आशा है। शिक्षा और सेवा को महान उद्देश्यों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। हमने हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती कराकर रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। हम इस वर्ष भी 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती करने जा रहे हैं। भर्ती में लगने वाला समय कम करने के लिए अब परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग में भी होगा। हमने विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी के प्रावधान को
100% करने का काम किया है कि जिससे कि वो भर्तियां आगे चल करके भी हमारे काम आए और जो संख्या होती है उसके आधार पर हम चलें। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 ला रहे हैं। इस नीति के जरिए युवा वर्ग की प्रगति उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। हम युवाओं में कौशल क्षमता और विकास कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाएंगे। राज्य में शीघ्र नई स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जा रही है एवं साथ ही वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को मजबूता जरूरतों के मुताबिक बनाया जा रहा है। 2 साल की अवधि में 150,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित देने की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदान बनने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए हम अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को देश विदेश में उत्कृष्ट सीओ की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के लिए ही आउटरीच एक्सपोजर अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्टार्टअप इक्विटी फंडिंग के द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया जा रहा है। नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर की स्थापना की जा रहे हैं। युवा अवस्था से ही उद्यमशीलता के गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार युवाओं के असीमित अवसर उपलब्ध करवा रही है। आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं, इनका भरपूर उपयोग कर प्रदेश और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको पुनः बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।